जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गीता प्रेस गोरखपुर फरीदाबाद में। तो दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव दुर्गा का समय प्रारंभ हो चुका है, उसके लिए सभी मित्रों को जो हमारी वीडियोस देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज जिस पुस्तक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो दो पुस्तकें हैं, कन्हैया और गोपाल। ये चार पुस्तकों की सीरीज आती है कृष्ण लीला के ऊपर। तो दो पुस्तक का हम इस वीडियो में बना रहे हैं और दो पुस्तक का हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि क्या है इस पुस्तक के अंदर जो आप अपने बच्चों को और खुद भी सीख सकते हैं, जो कृष्ण जी के जीवन का पूरा इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। ये चार पार्ट्स में है, कुछ पार्ट्स में आपको इसमें दिया हुआ है, कुछ चीज़ें अगले पार्ट में, कुछ चीज़ें अगले पार्ट में और कुछ चीज़ें उससे भी अगले पार्ट में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, कन्हैया पुस्तक का नाम है, कोड नंबर है 869। अब यहाँ देखिए, भगवान श्री कृष्ण, जब जब संसार में पाप बढ़ता, धर्म की हानि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि का अवतार होता है। वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, साधुओं को निर्भय करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं तथा अपने भक्तों को सुख देते हैं। ये सबसे पहले श्री कृष्ण जी का परिचय दिया गया है कि कृष्ण जी के बारे में कृष्ण लीला है। अब ये देखिए, कारागार में कृष्ण अवतार, जब कारागार में उनका कृष्ण अवतार हुआ, जब उनका जन्म हुआ, उस समय का ये दिया हुआ है। अब देखिए, मथुरा से गोकुल की ओर, जब मथुरा से लेकर उनको जन्म के बाद उनको गोकुल लेकर जाया जाता है, ये उस समय का पूरा इसमें विवरण दिया गया है। और उसके बाद योग माया की भविष्यवाणी, जब भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि जो कृष्ण जी हैं वो कंस का वध करेंगे और मृत्यु का कारण बनेंगे, ये वो चीज़ें इसमें दिखाई गई हुई है। ये देखिए, काकासुर की हार, ये देखिए, काकासुर कौआ था, उसकी हार हुई, कृष्ण जी ने किस प्रकार से उसको हराया वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये देख सकते हैं, चांद खिलौना, जब वो अपनी माता से चांद के खिलौना मांगने की जिद करने लगे, तो थाली के अंदर पानी रख के और चांद को एकदम समीप लाकर दिखाया था उन्होंने, तो वो वाला प्रसंग जो है यहाँ पर दिया हुआ है। एक कन्हैया द्वारा शालिग्राम की चोरी, ये मंदिर के अंदर जब उन्होंने शालिग्राम को चोरी कर लिया था, उस समय का ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। ये देखिए, माता की परछाई ना पकड़े जाने पर वो जिद करने लगे थे और रोने लगे थे, उस समय का यहाँ पर दिया गया हुआ है। देखिए, माखन लेने की अनोखी रीत, माखन बहुत प्रिय था उनको, तो माखन जब खाने की आवश्यकता पड़ती थी तो वो अलग-अलग तरीकों से माखन चोरी किया करते थे। मूल्य है दोस्तों इसका 15 रुपये मात्र। पुस्तक देख सकते हैं, पतली सी है, कोड है इसका 869। पोस्टर पेपर में पूरा का पूरा फोटो पेपर में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे चित्र दिए हुए हैं। तो बात करते हैं अगले भाग की, जिसका कोड है 870। देख सकते हैं, यहाँ कृष्ण जी की सबसे ऊपर फोटो दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है गोपाल। उनको अन्य अन्य नामों से पुकारा जाता था, तो उनको गोपाल नाम से भी पुकारा जाता था, तो यहाँ पर उनका गोपाल नाम से इस पुस्तक को दिखाया गया है। देखो, मैया मोहि दाहू बहुत खिझायो, जब दाहू और परेशान करते थे तो वो माता से शिकायत कर रहे हैं, ये वहाँ का वह है वर्णन है। ये देखिए, यहाँ दाऊ छुपे हुए हैं और ये माता से आए हैं शिकायत करने के लिए, ये पूरा और ये पूरा प्रसंग यहाँ पर दिया हुआ है। ये देख सकते हैं, गोविंद का गौ प्रेम, ये ऐसी पुस्तक है कि श्री कृष्ण क्या क्या जीवन में उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी, उनके लिए प्रिय क्या था, सारी चीजें इन पुस्तकों के अंदर
वर्णन किया गया हुआ है। ये देखिए, गाय से प्रेमी डायरेक्ट बछड़े की तरह दूध पी लिया करते थे। देखिए, ब्राह्मण पर श्री कृष्ण कृपा, क्षमा कीजिएगा। एक दिन नंद यशोदा के यहाँ एक दत्तक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण पे विशेष कृपा करी थी, वो यहाँ पर दिया गया है। वात्सल्य भरा शासन, ये वात्सल्य भरा शासन। एक दिन सब के सब गोपियाँ इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा मैया को सुना सुना कर गोपाल की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा, तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय न होने पर भी हमारे घर जाकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। मतलब वो जो शैतानियाँ करते थे, सब लोग इनकी शिकायत करते हैं। उस बात पर जो शिकायत हुई तो वहाँ पर आके यशोदा जी से शिकायत की। देखो, बंदरों को माखन लुटाना, उन्होंने बंदरों को माखन जो घर में रखा हुआ था उसको लुटा दिया। देखिए, ओखल बंधन, जब उनको ओखल में बांध दिया जाता है, जब वो बहुत शैतानी कर रहे होते हैं। फल बेचने वाले पे कृपा, जब अन्न का अन्न ले जाकर फल की टोकरी में रखते हैं तो वो पूरा रत्नों में बदल जाता है, ये उस पर कृपा करी हुई है। और गोपाल की गौ पूजा, जो वो गौ पूजन करते हैं कृष्ण जी, उसका इसमें पूरा विवरण दिया गया हुआ है। ये देखिए, वत्सासुर का उद्धार, देखिए बता देता हूँ। नंद बाबा गोकुल में असुरों के बढ़ते हुए उत्पात को देखकर समस्त गोप गोपियाओं तथा ग्वाल बालकों साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन में हरा भरा गांव, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर तटों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आनंद का पारावार न रहा। उनके मन में विशेष प्रति उदय हुआ और विष्णु सुख मधुर लीलाओं के गोकुल के ये असुर था उसका संहार किया और उसको उसका उद्धार किया। देखिए, मूल्य इसका 20 रुपये है। पुस्तक का नाम गोपाल, 870, पूरी की पूरी फोटो पेपर में है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये पुस्तक आपको दोनों बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए, पहली पुस्तक है कन्हैया और दूसरी पुस्तक है गोपाल। पहले का कोड है 869, 15 रुपये की है। जो दूसरी पुस्तक है 870, 870, वो 20 रुपये की है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।